नमस्कार दोस्तों, फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी टिप लेके आई हूँ, जिसके लिए हमें टेप, एक सीजर्स, कैंची, एक सुई, निडल और एक धागा या थ्रेड चाहिए रहेगा। तो चलिए देखते हैं सुई में धागा डालने का आसान तरीका। देखिए, अगर आप इस तरह से कोशिश करते हैं तो कामयाब नहीं होते कभी कभी, और बहुत जल्दी होती है कि जल्दी से सुई में धागा डल जाए। दूसरा तरीका देखो, अगर आप इसी धागे को डबल करके डालना चाहो तो वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। तो इसको मैंने कोशिश की है आसान बनाने की, उम्मीद करती हूँ आपके ये बहुत काम आएगी। इसके लिए आप टेप को छोटे से हिस्से में कट करिए सीजर्स से, अब हम ये जो टेप का हमने छोटा सा हिस्सा कट किया है, ये जो दो धागे हैं जी, दो जो थ्रेड धागे हैं, इनको एक साथ कर देंगे, इन दोनों छोरों को, दोनों सिरों को, दोनों एजेस को, और टेप को थोड़ा सा धागे के ऊपर लेना है और इसको दोनों साइड से रोल कर देना है। अब कैंची की सहायता से पहले एक सिरे को कट करना है, फिर दूसरे सिरे को ऐसे कट करना है कि ये नुकीला हो जाए। जैसे बॉल पेन नहीं चलते थे पहले, स्याही वाले पेन भी चलते थे, उस तरह से। अब इसको सुई में डालें। कट करने की वजह से ये पतला हो गया तो सुई में आसानी से चला जाएगा। अब देखिए आप कितनी आसानी से ये आपकी सुई में अंदर घुस चुका है। अब जो टेप वाला सिरा है, टेप वाला हिस्सा है, उसको धागे को कट कर दीजिए। अब देखिए, आप चाहें तो चारों सिरे से काम कर सकते हैं, जैसा आपका काम हो उस मुताबिक दो सिरों से भी आप काम कर सकते हैं। है ना कितना आसान। और अगर आप चाहें कि आपको सिर्फ सिंगल थ्रेड ही यूज करना है तो आप इसमें से एक थ्रेड निकाल लीजिए और सिंगल थ्रेड को अपने काम के अनुसार यूज करिए। एक टिप और शेयर करना चाहूंगी आप सभी के साथ, धागे के आखिरी वाले सिरे में गठान या नॉट जरूर लगाएं, जिससे आपकी सुई सेफ एंड सिक्योर रहेगी, इधर उधर सरकेगी या खिसकेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, आप स्वयं ट्राई करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फरिश्ता क्राफ्ट।